जोर से बोलो जय माता दी। काले बोलो जय माता दी। मिलकर बोलो जय माता दी। गाइस गुड मॉर्निंग, आज है नवमी का दिन और छन 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 ताली बज रही है। आज है नवमी का दिन और मैं सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ 7 बजे ही, क्योंकि मुझे लगा कन्या जल्दी होगी, मगर 8:30-9 बजे तक कन्या बिठाई जाएगी, तब तक मैं चलती किचन में खाना बनाने को। गोलू ने सुबह सुबह तैयारी शुरू कर दी है। गोलू ये क्या है? ये नारियल। नारियल बहादुर भैया, मॉम ने बोला हलवा मैं बनाऊंगी। हलवा? हाँ नहीं, मैं आपके सिर्फ हेल्प करवाऊंगी। मतलब मुझे कोई कुछ काम करने नहीं दे रहे किचन में, कुछ भी नहीं। एक मैं नाइफ भी नहीं उठा सकती हूँ। बट देखो गाइस, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ नवरात्रों के बाद ना, मतलब डेली तो नहीं कह सकती हूँ, काम का लोड बहुत ज्यादा होता है। मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ बनाती रहूंगी मॉम डैड के लिए। अभी तक आपने कुछ भी नहीं बनाया जब से आई हूँ? बनाए थे, पुए बनाए थे। नहीं नहीं मदद तो मैं आज करूंगी। क्या ये लोग मुझे कुछ नहीं करना चाहते, पता नहीं कैसे यार। बोला आज नवमी है, सबको जगाना, चलो पहले तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। बेटा बेटा उठ जाओ, उठ जाओ जल्दी जल्दी, उठ जाओ उठ जाओ जल्दी, उठो एक बार उठ के दिखा दो सबको, हम मान लेंगे। इधर को फेस कर दो, उठ गया भाई। करण उठ जाता है ऐसे, करण की बात। मेरा मिशन है सबको जगाना, पाई आ जाओ उन दोनों को जगाते हैं। आज पूजा है, पाई और मैं लगे हुए। पाई आज लगन जल्दी जग गए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, उठो। देख यार ये दो लड़ पड़े हमें तेरे। ए गधे इधर दे, इधर गधे उठ बेटा, पूजा है घर में, उठना। चलो ऑस्कर के बाद, ऑस्कर को भी जगाना पड़ेगा हमें तो। इसमें कौन है बाबू? आप भी उठ जाओ अब। गुड मॉर्निंग। अच्छा ये ऑस्कर करूँ मैं बस? गुड मॉर्निंग, ये अपने भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटी, बेटू 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 जग गया मैं। ये भी जग गया पाई। घर का छोटे से लेके बड़ा तक हर कोई जग चुका है, बस हमारा काम खत्म हुआ जगाने का, सब जग गए हैं। अब लखन को नहीं दिखाया मैंने, लखन को दिखाऊंगी। और मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा तुम इतने जल्दी कैसे जग गए। गुड गाइस, यहाँ पे मैंने लग दी है कढ़ाई हलवे में। मैं सिर्फ माधव भाई की हेल्प कर रही हूँ। माधव भाई ने बोल दिया कि सिर्फ थोड़ा सा हेल्प करनी है और कुछ नहीं करना, तो मैं थोड़ी एक्टिंग कर रही हूँ। एक्टिंग नहीं यार, बनाऊंगी, थोड़ा सीखूंगी। गाइस सूजी का जुम्मा मुझे मिल चुका है। माधव भाई पीछे से गुस्से से देख रहे हैं। नहीं माधव भाई, माधव भाई इसको ना अच्छे से इसको भूनना है, उसके बाद भी आना है। माधव भाई कह रही है 2 दिन आई हुई लड़की मुझे सिखा रही है। 9 दिन कब निकले पता नहीं चला, बस लास्ट डे है आज, अन खा सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पूजा करते हैं शुरू। तो यहाँ हलवा बिल्कुल रेडी है, अब चलते हैं पूड़ी की तरफ। पूड़ी बेलनी आती नहीं है वैसे, मैं ट्राई जरूर करूँगी। तो ये चली गई अंदर और ये फूल भी रही है। चलो फाइनली मैंने एक पूड़ी बनाई अपनी लाइफ में। चावल की आटे की पूड़ियाँ बहुत बनाई है, बट ऐसी पूड़ियाँ नहीं बनाई मैंने। मुझसे रोटी नहीं बनती, मुझसे कुछ भी बनवा लो, बस मुझसे ये पूड़ियां वगैरह नहीं बनता। तो ये रही मेरी प्यारी सी छोटी सी पूड़ी। रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं जल्दी से तैयार हो गया क्योंकि हमारे यहाँ वो कन्या का आज भोजन खिलाया जाएगा, कंजक भी बोलते हैं कहीं कहीं पर। मम्मी तैयार कर रही है हलवा। मम्मू सिंह ये क्या सूजी का हलवा? बहुत टेस्टी बनाती है मम्मी। और क्या बनाया? पूरी सब। आप भी कन्या हो तो खुद भी खा जाओगी, बहुत सारा है ना। आप भी तो कन्या ही हो। बाद ये क्या कर रहे हो, अलग ही तिगड़म्बाजी एक बिल्कुल पीछे ही तेल का तड़का। मुझे कह भी नहीं रहे हट जाए यहाँ से, कह भी नहीं रहे मुझे हटने को यहाँ से, सीधा पीछे तड़का लगा दिया आके। नीतू क्या हुआ ये पहना क्यों? ये अच्छा नहीं लग रहा यार। नीतू मैंने कंफर्टेबल वाला पहना हुआ है। नहीं नहीं अच्छा, तेरी तरफ मैं रेड हो जाऊंगा। तू पता तू क्या सुन, खुश मत हो, खुश मत हो सुन। पता नीतू क्या है, ये कोई भी एक ड्रेस पहन लेगी उसका कुछ भी निकाल लेगी मेरे लिए, बस सेम कलर का ताकि ना मैचिंग लगे। यू वेर चालाक ब्रो। जबकि ये तो लगेगी बहुत अच्छी और मैं मुझे कुछ भी पहना देगी, ये अच्छा लग रहा है यार। क्या है बे, नीतू क्यों परेशान कर रही है तू? एक तो नहाई नहीं सुबह से यार, इसको दोबारा तुम अपने घर जाओ थोड़े दिनों के लिए। ये इसी का घर है, तेरा घर नहीं है अभी, ऐसा समझ आई? अरे अभी तो तेरा 1 साल और है, 1 साल बाद तेरी शादी हो जाएगी, फिर तेरा घर नहीं रहेगा, ये पराया धन हो जाएगी फिर तू। नीतू को कह रही देख तो ले नीतू से। नीतू लखन से कुछ पूछ कर दिखाओ, तुमने छन छन पहना हुआ है ना, कुछ पूछना क्या पूछे भाई। लखन तू कहाँ जा रहे, पूछना कहाँ जा रहे, ताकि उसकी आवाज हो। तो मैंने सिर्फ नीतू को खुश करने के लिए पहन लिया, नहीं तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। अरे ब्राउन उसके जॉगर्स के ऊपर मैंने रेड पहना हुआ है, कोई मेरे को क्या ही समझेगा यार। अच्छा लग रहा है। बस तेरी तो तेरा एजेंडा पूरा हो गया, इसका एजेंडा पूरा हो गया कि मैचिंग कराना है बस। नीतू
शेर नहीं दूसरा वाला कौन ये भैंसा जंगली भैंसा। तो अब मैंने ये पहना है क्योंकि हमारा पर्पस भी सॉल्व हो गया जो नीतू का था रेड पहनाने का, और अच्छा भी लग रहा है रामनवमी वाले दिन। ये देखो कैसे छन छन करती हुई इस घर की बहू आ रही है, प्यारी प्यारी नीतू। और ये गई थी नीचे मेरे लिए रेड कुर्ता ढूंढने दीदी। दीदी क्या हुआ, क्या मिला नहीं? तूने कॉन्फिडेंस से क्यों गई? या तूने आज तक घर में कोई काम करा हो? या तेरे को पता हो चीजें कहाँ रखी रहती हैं? बस गई एफर्ट, लेकिन दीदी तूने पूरा लगाया 100 नंबर फॉर एफर्ट। नीतू के लिए लगाया इसने एफर्ट। फेवरेट के लिए लगाती हूं ना, मतलब थर्ड फेवरेट है मेरी। फर्स्ट सेकंड कौन? फर्स्ट तो मेरी है ना, मेरे से बात नहीं कर रही क्योंकि मैंने इसकी वाली टी शर्ट उतार दी। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारी सारी ऑडियंस पर भी कृपा बनाए रखना। लो भाई लो आशीर्वाद ले लो सब लोग। हमने धूप ले ली थी और फिर हम वो वीडियो के लिए एक धूप ले रहे थे तो छोटे का था उल्टा कर रहे हैं, भैया भाभी को भैया को देने चाहिए, भैया भाभी को दे रहे हैं। हमारी भम्मू कितनी मेहनती है यार, वाओ। ऐसे डेली काम करेंगे तो इनका 5 किलो वजन कम हो जाएगा इसी महीने। अब मैंने टास्क तो दिया है, कर लोगी यार, कर लोगी यार, हिम्मत बता दो बस। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अच्छा करो, ये फूलनी चाहिए प्रॉपर एकदम। हमको सिखा रिया है ऐसे। किससे? नीतू सर। सुनाई नहीं आ रहा क्या कह रही हो? मेरे कानों में दिक्कत है, कभी कभी सुनाई नहीं देता मेरे को। नीतू तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है। क्या? मम्मी ने कहा कि जा पूरी नीतू से सिखवा ले एक बार। आयु जरा, मैं तो सीख ली, व्लॉग में ले लिया। आयु जरा एक बार और आ। चल नीतू चल, हटो आप, अब हटो मम्मू। आपने क्या कहा नीतू से सिखवा ले? नीतू ऐसे एक बार हाथ लगा दे बस, तेरा नाम हो जाएगा फिर। बस हो गया, शाबाश बेटा। देख लो नीतू ने सीख दी। मैंने सीखी, वो बहुत नीचे है, पता नहीं कहां है। हां हमारे घर में कन्याओं का आगमन हो चुका है। हेलो, जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी। वेरी गुड। कैसे यहाँ पर सब कन्याओं को लगा है? सबसे पहले हलवा हमारे जो पार्टी आई कन्याओं को भोजन करवाना। अब यहाँ पर सबको बांटा जा रहा है चावल। ओके, सबको रह तो नहीं गया कोई? नहीं कोई नहीं रह गया। अब जय माता की बोलते हुए ना सब मिलते दिल, जय माता की बोलते हुए। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। तो मेरा सुबह जल्दी उठना सफल हो गया। मैं तो जब भी सुबह उठता हूँ उस दिन मुझे अच्छा लगता है, और जिस दिन सुबह जल्दी नहा लेता हूँ उस दिन ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जो मेरा आलस है ना वो मेरे को लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होने दे रहा यार। अब नीतू को खाना मिलेगा, अब खाना लाओ है। कितने टाइम बाद खाना खाएगी नीतू आज? 8 दिन बाद। चल भाई 8 दिन बाद खाना। ये देखो वो देखते हैं ये। नमस्ते। आपको लगता है शूटिंग करना इतना आसान है? देखो एक ब्लॉगर की मेहनत कहाँ चढ़ा हुआ है। सुबह सुबह नहाया नहीं है जबकि नहाया। अच्छा तूने कुछ खाया? बस आ रहा है। अरे यार जल्दी खा ले, मुझे ऐसे देखा नहीं जा रहा तेरे को। 8 दिन बाद अन्न खाएगी आज तू। दे दो भैया थोड़ा जल्दी। ला रहे ला रहे। रुकमा भैया दे दो। ला रहे ला रहे। बैठ जा बैठ जा। लगन तुम अपने हाथ से खिलाना, पैरा नहीं वाला। नहीं तो बैठ जा। अब तू फिर मुझे बोलेगा हाथ धो के आओ। हाथ तो धोने पड़ेंगे, पैरा नहीं वाला। मैंने आराम से पैरा नहीं वाला लखन के हाथों से। ये कौन सा रूल है नहीं तू? उसको शॉर्ट चल, तेरी खुशी के लिए मैं कर लूंगा। 8 दिन बाद वो खाना खाएगी, उसको वीकनेस काफी होगी। लेकिन एक बात है यार, उसने एक बार भी उसका फास्ट नहीं तोड़ा, तो हैट्स ऑफ नीतू को। आज मैं अपने हाथों से उसको खाना खिलाऊंगा। बना भी दे हाथों से। मम्मी टोंटो मार रही है, मैं कैसे बनाऊं? मेरे को आता ही नहीं। फाइनली 8 दिन के बाद जय माता दी। देखो वीकनेस हो रही है ना, भूख खत्म हो जाएगी। और ज्यादा टेस्टी लग रहा होगा और दिनों से ज्यादा। तो नीतू हमने साथ में फास्ट सुबह नहीं खाती, इसलिए मैं हाथ से खा रही हूँ। सोन भी घर में सबकी आदत है सुबह कोई खाना नहीं खाता, कोई भी नहीं। लेकिन तुम्हारा भी पास्ता, रिक्की का भी पास्ता है। इस ऑर्डर करके मैं ये नहीं पूरी नहीं खाती मैं। रिक्की का भी पास्ता है, रिक्की को खाने दूसरी का खाना ट्रैक नहीं करो। अभी हलवा से कौन खाता है? पूरी चावल होगा तो चावल नहीं, नहीं आप तो पूरी खाऊंगा। कल से पे अपनी रेगुलर डाइट जो भाभी का प्यार है चावल। अरे दीवानो मुझे पहचानो, खेड़ा से आया मैं हूँ कौन।
मैं हूँ कौन? खेड़ा से ना आया है, सही आया हूँ। तो यार रहने वाले तुम खेड़ा के ही हो या नहीं? हाँ, खेड़ा के हो ना। तो वही तो कह रहा हूँ मैं यार, तो खेड़ा से कहाँ आया हूँ मैं, ऑफिस से आया हूँ अभी। अच्छा, ऑफिस से आए हो? हाँ। सुबह सुबह लोग ऑफिस जाते हैं, तुम सुबह सुबह ऑफिस से आते हो? हाँ बिल्कुल। कुछ तो हिसाब किताब में गड़बड़ है तुम्हारे यार। अच्छा पधारो। यार जल्दी उठने के इतने सारे फायदे हैं कि अभी सिर्फ 12:15 हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट सारे काम निपटा लिए, लेकिन अभी नहीं। आपको मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया कि मैंने द अघोरी अनटोल्ड स्टोरी पढ़ ली अब, लेकिन कोई दूसरी बुक पढ़ने का टाइम आ गया है। तो जो नीतू को मैंने आईपैड गिफ्ट किया था उसका सबसे ज़्यादा यूज़ मैं ही कर रहा हूँ अब। इसमें मैंने किंडल ऐप कर रखा है और किंडल ऐप में मैं दूसरी कोई बुक डाउनलोड करूँगा और फिर उसको पढ़ना स्टार्ट करूँगा। गाइस शूट खत्म हो गया है और एक होता है ना काम वाले प्लेस में कभी भी नींद नहीं आती, तो वही मेरे साथ भी हुआ है। मैंने बहुत ट्राई किया सोने का कि अन खाया उसके बाद थोड़ी नींद आएगी, ऐसा होता है नॉर्मली, जब भी मैंने फास्ट रखे तो अन खाने के बाद नींद आती, बट मुझे आज आई नहीं नींद। मैंने कितना ट्राई किया नहीं आई, तो कोई बात नहीं, हम अब दोबारा काम करेंगे। अभी हमने अपने स्टाफ को दूसरे दूसरे काम में लगा रखा जो हम नहीं बता सकते अभी, वो बहुत ही स्पेशल काम है, आपको बहुत जल्द पता चलेगा। मगर मैं हल्की सी झलक दिखा देती हूँ, नहीं मैं वो भी नहीं दिखा सकती। तो अभी वो सब काम कर रहे हैं और मैं स्क्रिप्ट सोच रही हूँ कि अब हमें क्या शूट करना चाहिए। मैं दिखाती हूँ हमारे घर में कौन आया है। हमारे वर्क प्लेस को ऐसे ही यूज़ किया जाता है, देखो ध्यान से। और है कौन ये? क्या कर रहे हो भैया, क्या कर रहे हो? ये आप कर रहे हो? हमारे वर्क प्लेस को कैसे यूज़ किया जाता है अपनी बहन से पूछो। ऐसा लगता है पूरी टीम इसी के लिए लिया हमने। नहीं अच्छा यार, ज्यादा यही यूज़ कर रही है। तुम कुछ नहीं बोल सकते, हम चले। जो मेरा है वो सोनी दीदी का है, जो सोनी दीदी का है वो मेरा है। भाई तू और सोनी दीदी तुम दोनों के बीच मैं नहीं पढ़ूंगा कभी। चले हम, बता, हम कहीं जाने के लिए रेडी बैठे थे। चलो चल। गाइज हम लोग ने शूट खत्म कर लिया, अब हम जा रहे हैं अमन। अमन क्यों जा रहे हैं? यहाँ पर मम्मी का घर है, क्योंकि मम्मी वहाँ पर आई हैं और मम्मी से मिलने जा रहे हैं। हम एक सरप्राइज देने जा रहे थे बट वेदर खराब हो गया, तो अब हम वहाँ पर बाद में जाएंगे। और मम्मी भी आ रही थी, मैंने मम्मी को वापस भेज दिया कि आप चले जाओ। सरप्राइज तो खोल दिया नहीं तो तूने। सरप्राइज खोल दिया, कोई बात नहीं, मगर उससे भी एक बड़ा सरप्राइज था तो वो मैं बाद में बताऊंगी। बाकी मम्मी को मैंने वापस भेज दिया कि भाई मौसम बहुत खराब है, आप घर पर स्टे करो, अभी सही नहीं है आना। तो मम्मी चली गई हैं वापस और हम लोग जा रहे हैं वापस। और खाने में मैं आज भी वही खाना खाऊंगा जो कल मेरे ससुराल से मुझे मिला, मटर पनीर विद पूड़िया, क्योंकि वो मुझे बहुत टेस्टी लगा, तो मैं रख के ले आया सारे के सारा। तो मेरा आज का खाना ये रहा, पूड़ी विद जो मेरी सासू माँ ने मेरे लिए बनाई सब्जी उसके साथ। और यहाँ पर डिनर बनाया है नीतू ने मेरे लिए सांभर, क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही लेकिन अब लगने लगी। नीतू तू जिस टाइम सो रही थी ना उस टाइम मैंने आज खूब भर पेट वो खाए, मटर पनीर सांभर चावल तो मैं खाऊंगा। ये यार एक बात है, इतना प्यार करती है ये कि बेचारी तीसरी बार खाना बनाया उसने, दो बार बनाया मेरे लिए राजमा चावल, आज फिर सांभर, जो भी मेरे को पसंद है सब बना खिलाड़ी ताकि मैं खा लूँ। थैंक गॉड आपने मुझ जैसा पति नीतू को दिया। हाँ चिड़ गई एकदम। नीतू एक परफेक्ट इंसान की डेफिनेशन दूँ मैं? दूँ मैं तुझे? सोच तुझे बोलूँगा नहीं यार तू, सच में। तो हम आ गए घर पर और यहाँ पर बिम्पू है और नीतू दीदी के रूम के बाहर खड़े हो जाती है हमेशा ऐसे। दीदी हाँ एक खुशखबरी है भाई, नीतू का वो आया सिल्वर प्ले बटन। हाँ मैं सोनी दीदी के साथ रहूंगी पूरे रात। थैंक यू नीतू। वैसे रिक्की का चला जाएगा तब मैं। हाँ फिर तो डरेगी डरपोक दी। तब तेरे पास कौन सोएगा? अकेले नहीं सो जाता इससे? हम तीनों साथ। अभी तो रिक्की सो जाता है इसके पास। हम तीनों साथ में सोएंगे ना? क्या रिक्की? मैं तो गुची के पास। अभी तो तू सोया था इसके पास। ये कल से डरपोक कहाँ सोएगी मैं ये सोच रहा हूँ। है चल भी चला नीतू, जल्दी से वो सिल्वर बटन की अनबॉक्सिंग करेंगे। आ जा नीतू, मैं आपका बच्चा नहीं हूँ। और ये लग गया रिक्की का सिल्वर प्ले बटन, इसने यहीं पे लगा लिया जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है, सॉरी फोटो है। तो ये रहा नीतू का सिल्वर प्ले बटन जो कि मंगा के हमने अपने रूम में रख दिया था। बैठो भाई, भम्मू का तो सोने का टाइम हो गया। भम्मू हमारे टाइम से सोते हैं, टाइम से उठती हैं और पाई भी ना, पाई तो खैर किसी भी टाइम सो जाए, उठेंगे वही बिल्कुल सुबह सुबह। देखो क्या आया है पाई, डायमंड आता है 1 करोड़ सब्सक्राइबर पे। ये तो मतलब टोटल तुम्हारे 1 करोड़ हो गए लेकिन एक ही चैनल पे 1 करोड़ होने चाहिए। ये है एक और नया चैनल बनाया था ना अभी। कौन सा चैनल? मार्च में बना था भाई, उस पे 4 लाख हो गए हमारे। बटन आ गया, बटन तो कई सारे हो गए अभी। एक इसके पास गोल्डन जगह भी नहीं। आप गुड शाबाश बेटा, चलो भाई चलो। एक ये बटन, नीतू विष्ट रावत। क्या लिखा हुआ है इस बार? तो कुछ नेम चेंज है ना? नेम चेंज? अभी पहले किस नेम से आते थे? नीतू विष्ट नाम से। और अब पहली बार नीतू विष्ट रावत। भाई वाह। तो क्या अभी ऑफिशियली नीतू विष्ट रावत हो गई है मम्मी? और कोई कैसे होगी? और इसके माथे पर वो लगाए एक पट्टी। हम पहला इसका इस नाम से। बहुत बढ़िया, बधाई बधाई बधाई। इस नाम वाला पहला बटन तेरा, इस नाम वाला। नमस्ते। अरे घुटने में, घुटने में नमस्ते।
मम्मी क्या तबीयत ठीक नहीं अभी? अरे इस टाइम मुझे नींद आने लगा है। बम्मू आपकी वाली दवाई आपने तो खाई नहीं और मुझे खा के मुझे फायदा पड़ गया। मुझे खूब फायदा नींद आ रही है। कब फायदा? हट, खूब फायदा ला। अभी हम लोग की गॉसिप चल रही है मेरी सोनी दीदी और रिकी। ये गॉसिप टाइम होता है। ये है आम जिंदगी, ये है फ्लैट जिंदगी, और ये है सीधी सादी जिंदगी, और ये है कान जिंदगी, और ये लेजी जिंदगी, अटकनी जिंदगी। यार मेरे गुच्छी का कान के पीछे पड़ गए हैं सब। सुधीर एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो अब तुम। नहीं नहीं उसने ये बोला जब तक मेरी शादी होगी थोड़ा वेट बढ़ जाना। फिर पत्नी आके खुद ही कम करवा देगी, है ना। चार लोग हम यहाँ पर बैठे हैं और अब गाइस आपसे मिलेंगे कल, और कल सॉरी मैं भूल गया अनबॉक्सिंग करना। अच्छा नहीं नहीं मैं सॉरी मैं भूल गया अनबॉक्सिंग करना। जो जो मैं सामान लाया था मैं आपको कल दिखाऊंगा। बाकी नीतू ले अब बोलते हैं आई लव यू लखन, आई लव यू सोनी दीदी, आई लव यू रिक्की, बाय बाय गाइस, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। जो एक्चुअली बोलने वाली थी वो भूल गई। कोई नहीं यार, याद आ जाएगा तो दोबारा व्लॉग बना दूंगा। बाय।